हेलो फ्रेंड्स, तो आज मेरे पास थोड़ी सी न्यूज़ नहीं है, थोड़ी सी से ज़्यादा न्यूज़ है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो पहली न्यूज़ है हर्ष बेनीवाल की तरफ से, तो वो कुछ नया किए हैं, तो आप उनसे ही सुने कि वो क्या किए हैं। जब भी मैं बचपन में कॉमिक किताबें पढ़ता था तो ना मैं हरदम ये सोचता था कि काश मैं इस कॉमिक में हूँ, काश मैं इस कॉमिक का पार्ट हूँ, और अगर मैं होता तो कैसा फील होता। तो आज आपके लिए सरप्राइज है और फाइनली वो दिन आ गया है। मतलब बचपन में जो सोचा करता था कि मैं एक कॉमिक का पार्ट बन चुका हूँ, और आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ शॉन्टी पोबलू की कॉमिक्स, और जिसको आप पढ़ सकते हो, और आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे आप उन्हें पढ़ा सकते हो, बिकॉज उसमें गालियाँ वालियाँ कुछ नहीं है, बहुत ही फैमिली फ्रेंडली कंटेंट है इसका। उसको पढ़ो, ऑनलाइन कॉमिक है, और अगर ये कोरोना वगैरह नहीं चल रहा होता तो हम ऑफलाइन करते, तो स्वाइप अप करके आप खरीदो और PDF में उसको पढ़ो, मजे लो अपने घर पे, बच्चों को पढ़ाओ, और जिनको भी इंटरेस्ट है शॉन्टी पोबलू अच्छे लगते हैं वो भी पढ़ो। नेक्स्ट न्यूज है कैरी मियाटी की तरफ से, तो अपने न्यू वीडियो का अपडेट देते हुए ये पोस्ट किए थे, और एंग्री प्रास न्यू वीडियो का अपडेट देते हुए ये पोस्ट किए थे। नेक्स्ट न्यूज है अदनान 07 की तरफ से, तो अपने हेटरों को रिप्लाई देते हुए ये वीडियो पोस्ट किए थे, तो आप भी देखिए वो वीडियो। हेटर लोग के लिए कुछ बोलना चाहूंगा भाई, मुझे हेट करो तुम्हारी नहीं गलती, अगर मैं भी तेरे जगह होता मेरी भी तो जलती। मुझे हेट करो तुम्हारी नहीं गलती, अगर मैं भी तेरे जगह होता मेरी भी तो जलती, ये बंदा कैसे जल्दी कमरे लेके कल दिन पर वो मुझे। बाबा के ढाबा की तरफ से न्यूज निकल के आ रही है कि उनके अकाउंट में 42 लाख रुपीज है, अभी पता ना सच है या झूठ। तो आज के लिए बस इतना, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। ओके बाय।